मनी भरना पड़ता है, आपको अकाउंट में 1000 मनी भरना पड़ेगा तभी आपका अकाउंट में काम कर पाओगे, नहीं तो आप अकाउंट में काम नहीं कर पाएंगे। पहले प्रोफाइल अपडेट किया, अभी 1000 मनी भरना पड़ेगा। तो 1000 मनी कैसे भरेंगे, डैशबोर्ड में, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है। जैसे डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रेड कलर का एक एरो मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करो मैनेज 1000 मनी अकाउंट, मैनेज 1000 मनी अकाउंट क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ पे तीन बैंक का ऑप्शन आएगा देखो आपके पास, जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो एक्सिस बैंक, HDFC और ICICI। यदि आपने HDFC या ICICI बैंक चूज कर लिया, यदि आपने HDFC और ICICI बैंक चूज कर लिया तो आपको सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर करने के एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है RTGS या NFT। पर आपने एक्सिस बैंक चूज किया तो आपको फंड ट्रांसफर करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नेट बैंकिंग और एक RTGS जो पहले अवेलेबल था। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक्सिस चूज किया तो आपका अकाउंट एक्सिस में ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी अकाउंट में चलेगा। बट आपने एक बार इसको चूज कर लिया तो इसको दोबारा बदल नहीं सकते, जैसे मैं इसको और बदल नहीं सकता। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से फंड ट्रांसफर करना बताऊंगा, है ना, एक नेट बैंकिंग से भी और RTGS NFT। नेट बैंकिंग से लॉग इन करके RTGS या NFT कैसे करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से RTGS या NFT नहीं होता है, ये आपका एक वर्चुअल अकाउंट है। तो वर्चुअल अकाउंट के लिए हमेशा नेट बैंकिंग में जगह अलग रहता है, नॉर्मल अकाउंट की तरह नहीं रहता है। चलो आपने एक्सिस चूज किया इसलिए आपको अकाउंट नंबर ऐसा दिख रहा है। अभी बहुत सारे आप लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अलग अकाउंट चूज किया है, एक्सिस, HDFC या ICICI, उनको अकाउंट नंबर ऐसा नहीं दिखेगा, उनको ABCD दिख रहा होगा, अल्फा नंबर्स और अल्फाबेट दोनों हैं। तो आप कभी भी जब नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर करने के लिए जाओगे तो आप जैसे यहाँ पे ए या बी या कोई भी अल्फाबेट डालोगे आपको बोलेगा ये अकाउंट नंबर गलत है, वहां पे खाली नंबर ही चलता है, ये वर्चुअल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट नहीं है। पर RTGS या NFT कर सकते हो नेट बैंकिंग, या फिर बैंक ऑप्शन से बैंक में जाओ और वहां से भी कर सकते हो। तो चलिए, मेरे पास जब मैंने एक्सिस बैंक चूज किया तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं दोनों से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जनरेट चालान, कितना डिपॉजिट करना है, ये एक ऑप्शन है, तो आपको बता देगा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है। मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 5000, तो मुझे 5000 डिपॉजिट करना, तो ये 5, 10 और 25 रहेगा, जितना बोलेगा उतना आपको डिपॉजिट करना है। यदि आपको 0 बोला है तो आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कल बोला था 2020 से जिन लोगों ने पहले अकाउंट खोला है उनको आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अवेलेबल बैलेंस, तो आपके पास जितना थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा उतना आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करते हैं जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट, दो ऑप्शन है यहाँ पे, दो है, एक है डाउनलोड चालान। पहले हम लोग नेट बैंकिंग वाला बताता हूँ, फिर आपको डाउनलोड चालान RTGS या NFT बताऊंगा नेट बैंकिंग से कैसे करते हैं। तो एड फंड, यदि आपको नेट बैंकिंग से करना है तो एड फंड, मुझे कितना डिपॉजिट करना है 5000 एंड टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट, और यहाँ पे ऑप्शन है आपको एक्सिस में है या अदर्स, तो अदर्स है तो अदर्स, यहाँ पे बैंक का नाम, इतने सारे बैंक अकाउंट है, आप कहीं पर भी जाके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बैंक अकाउंट है पर नेट बैंकिंग ही यूज कर सकते, UPI वगैरह नहीं। डाल दिया मोबाइल नंबर, एक डाल दो मेल आईडी, आपका प्रॉपर ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी, और सिर्फ आपको 11 रुपीज 80 पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसके नेट बैंकिंग में लेके आ गया, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट, तो आप यहाँ से लॉग इन करके अपना पिन डाल के और फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन, ये कब मिलेगा, यदि आपके पास एक्सिस आपने चूज किया है तो। दूसरा ऑप्शन है जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे डाउनलोड चालान, डाउनलोड करो 5000 का मुझे 5000 डाउनलोड करान, एक PDF मिल जाएगा। ये PDF में बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है ना, नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का डिटेल्स दिया हुआ है।
आप चाहो तो इसको बैंक में लेके जा सकते हो और वहां से भी ट्रांसफर करवा सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो कैसे करते हो वो भी बता देता हूँ, वहां से आप कैसे फंड कर यूज करोगे। बट मैं यहाँ पे सिर्फ HDFC का बताऊंगा, बाकी का उसके हिसाब से आपको बैंक से इंफॉर्मेशन ले लेना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे चले गए फंड ट्रांसफर में, आपको यहाँ पे नॉर्मल फंड की तरह ट्रांसफर नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है नीचे, आपको मिलेगा देखो ट्रांसफर टू ECMS, यहाँ पे बोला है वर्चुअल अकाउंट। ऐसे आपको हर एक नेट बैंकिंग में ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको जाना है वो, और यहाँ पे आपको एड करना है ट्रांजेक्शन में जाके थर्ड पार्टी का यहाँ पे एड करना पड़ता है। यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे देखो अकाउंट ऐड करके रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट, ऐसे आपको यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट में आपको अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, और फिर ऐड करने के बाद यहीं से आप अपना फंड को ट्रांसफर करेंगे। ये आपका नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर करने का तरीका, हर एक नेट बैंकिंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको यदि नहीं पता है तो आप कस्टमर से या फिर आपके RM रिलेशनशिप मैनेजर से पूछ सकते हैं, जो मुझे वर्चुअल अकाउंट में कैसा फंड ट्रांसफर करना।